नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं फिर लेके आया हूँ आईपीएल टेंस की एसोसिएशन की। कल मैच हुआ था 2 तारीख को DDVS SRH के बीच, दिल्ली डेयरडेविल्स VS सनराइज हैदराबाद के बीच 40वां मैच खेला गया था। वो दिल्ली डेयरडेविल्स ने 6 विकेट से जीत लिया है और यह मैच फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में खेला गया था और खेलने का टाइमिंग थी रात्रि के 8 बजे। और इसमें मैन ऑफ द मैच आए हैं मोहम्मद शमी। हाँ दोस्तों, तो ये थी क्रिकेट की। अब मैं स्कोर कार्ड के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि सनराइज हैदराबाद ने पहले खेलते हुए जो डेविड वार्नर ने 30 रन बनाए, शिखर धवन ने 28 रन बनाए, केन विलियमसन ने 24 बनाए, युवराज सिंह ने 70 बनाए और मोसेस हनक्रू ने 25 बनाए। और अब बॉलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं 2 विकेट और अमित मिश्रा ने 1 विकेट लिया है। दिल्ली डेयरडेविल्स की बैटिंग की बात करें तो संजू सैमसन ने 24, कारून नायर ने 39 और ऋषभ पंत 34 और कोरेन एंडरसन ने 41 रन बनाए हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं 2 विकेट। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट की आईपीएल की खबर। और अब हम नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट मैच आज 3 तारीख है, तो आज बुधवार 3 तारीख को किसके बीच मैच होने वाला है। आज मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स VS राइजिंग पुणे सुपर गिगंट के बीच। 41वां मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता के स्टेडियम में और ये मैच रात्रि के 8 बजे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स VS राइजिंग पुणे सुपर गिगंट अगर आपकी फेवरेट टीम है तो आज का मैच देखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, और आज के खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।